हेलो गाइस एंड वेलकम टू रॉकेट एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड सेंसर के बारे में। तो अब तक हमने काफ़ी सेंसर पढ़े, एलडीआर सेंसर पढ़े, आगे भी हम कुछ और सेंसर पढ़ेंगे जैसे कि टेम्परेचर सेंसर। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है साउंड सेंसर। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले साउंड सेंसर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम उसका सर्किट बना के देखेंगे ब्रेडबोर्ड पर, उसको किस तरह से आर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हैं, देन उसका कोड भी लिखेंगे, फिर हम साउंड सेंसर का ही यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप उस प्रोजेक्ट को कह सकते हैं म्यूज़िक लाइट्स या डिस्को लाइट्स टाइप का प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए साउंड सेंसर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मार्केट में कोई भी साउंड सेंसर सर्च करेंगे तो बेसिकली साउंड सेंसर क्या होता है, साउंड सेंसर एक छोटा सा आपको सर्किट मिलेगा जिसमें एक माइक्रोफोन लगा होता है। तो देखिए साउंड सेंसर काम कैसे करता है, साउंड सेंसर नाम से ही पता चलता है एक ऐसा सेंसर जो साउंड की वैल्यूज़ को रीड करता है। तो अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी साउंड उसके सामने बोलते हैं या कोई म्यूज़िक चलाते हैं, कोई क्लैप की साउंड करते हैं, तो साउंड सेंसर हमें हाईज एंड लोज की फॉर्म में वैल्यूज़ देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो उसका माइक्रोफोन होता है वो साउंड को लेता है और उसके इंटरनल सर्किटरी है उसके थ्रू प्रोसेस होकर वो हमें 1 या 0 की फॉर्म में वैल्यूज़ मिलती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई हाई वॉल्यूम का उसके सामने म्यूज़िक प्ले करते हैं तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी, अगर 0 करेंगे तो सॉरी अगर हम थोड़ा म्यूज़िक नहीं चलाएंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेंगी। तो बेसिकली इस पर भी क्या होता है कि ये जो म्यूज़िक जो जैसे मान लो हम प्ले कर रहे हैं तो उसकी बीट्स पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे, अगर हाई बीट्स जा रही हैं, अगर हाई पिच है तो 1 मिलेगा, अगर लो पिच है या लो बीट्स हैं तो 0 मिलेगा। तो इस तरह से कुछ साउंड सेंसर काम करता है। इसका जल्दी से मैं आपको ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन बताता हूँ, सर्किट का कनेक्शन कैसा होता है। तो साउंड सेंसर जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक साउंड सेंसर है, साउंड सेंसर के 3 पिन्स होती हैं, एक होती है इसकी आउट पिन, एक होती है इसकी ग्राउंड पिन और एक होती है इसकी VCC पिन। आउट पिन मतलब जहाँ से आउटपुट मिलता हो, यहाँ से हमें 1 से 0 की फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। ग्राउंड मतलब हमें इसको ग्राउंड से कनेक्ट करता है, VCC मतलब हमें इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट से देना है। तो ये हो गया मेरा आर्डिनो, यहाँ पर हम कहीं लेके चलते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं 3 पिन से। तो मैं जो आउट है मैं इसको 3 पिन से कनेक्ट करूँगा, ग्राउंड को मैं कनेक्ट करूँगा आर्डिनो के ग्राउंड से और VCC को कनेक्ट करूँगा मैं आर्डिनो के 5 वोल्ट से। तो ये मेरा हो जाता है साउंड सेंसर का सर्किट कंप्लीट। तो यहाँ कहीं इसका माइक्रोफोन लगा हुआ होता है, तो जैसे ही माइक्रोफोन में मैं कोई भी साउंड या कोई भी क्लैप साउंड, कोई भी वॉइस यहाँ पे दूंगा तो यहाँ से मेरे 0s और 1 की फॉर्म में वैल्यूज आएंगी। अब बात करते हैं इसको रीड हम कैसे करेंगे। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे आर्डिनो में अंदर ही इनबिल्ट सीरियल पोर्ट होता है, हम सीरियल पोर्ट का यूज़ करेंगे और जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं साउंड सेंसर से हमारी हम सीरियल पोर्ट पे प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया इसका एक बेसिक सा कनेक्शन, हम इस तरह कैसे करेंगे। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे और हम इसी आर्डिनो के साथ में 4 LEDs को हम कनेक्ट करेंगे। तो हम कोई भी 4 LEDs ले लेंगे और हम उन सबको LEDs को कनेक्शन आर्डिनो के साथ में करेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं 0s और 1 उसके बेसिस पे हम अपनी इन LEDs को हाई या लो करेंगे तो हमें इफेक्ट पता चलेगा। तो जैसे हम कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो सॉन्ग की बीट्स के अकॉर्डिंगली हमारी जो है ये LEDs जो है हाई या लो होंगी। ये हम अभी सेकेंड पार्ट में करेंगे, पहले हम साउंड सेंसर को इंडिविजुअल आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके देखते हैं, उसके बाद हम LEDs के साथ भी इंटरफेस करेंगे। तो पहले हम अपने ब्रेडबोर्ड पर इसका कनेक्शन करके देखते हैं, फिर हम इसका कोड देखेंगे। सो गाइज ये है मेरे पास मेरा साउंड सेंसर, इसमें आप देख सकते हैं हमारे 3 पिन्स हैं जिसमें से कि एक पिन हमारा आउट होता है, एक है ग्राउंड और एक है VCC। इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने आर्डिनो के साथ में। तो मैं इसको लगा देता हूँ इस तरफ, ये मैंने किया कनेक्ट। अब मैं सबसे पहले करता हूँ आउट पिन का कनेक्शन, तो ये मेरा आउट पिन है और इसको मैं आर्डिनो के 3rd पिन से लगाता हूँ, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट इज़ माई 5 वोल्ट्स, सॉरी ग्राउंड, तो मैं ग्राउंड को करता हूँ ग्राउंड से, आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट और ये हो गया मेरा VIN, ग्राउंड एंड ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड चला गया। अब मैं 5 वोल्ट्स कनेक्ट कर देता हूँ VCC में एंड ये मैंने कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट्स VCC। सिंपल, वेरी सिंपल सर्किट मेरे साउंड सेंसर का। मैंने आउट पिन को कनेक्ट किया आर्डिनो के 3rd पिन के साथ, मैंने ग्राउंड को कनेक्ट किया आर्डिनो ग्राउंड के साथ में एंड VCC को कनेक्ट किया आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ में। तो यहाँ मेरा इसका सिंपल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं आर्डिनो के कोड की तरफ और इसकी वैल्यूज़ को रीड करते हैं सीरियल पोर्ट पर और साइड बाय साइड हम एक कोई म्यूज़िक प्ले करके देखेंगे, फिर देखेंगे वैल्यूज़ किस तरह से चेंज हो रही हैं।
हम जल्दी से इसका आर्डिनो कोड भी लिख लेते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, हम साउंड सेंसर को पिन 3 से कनेक्ट करेंगे और उसकी सारी वैल्यूज़ को हम जो है सीरियली रीड करते रहेंगे। तो मैं जल्दी से सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ साउंड सेंसर के लिए। तो मैं लेता हूँ इंट साउंड, तो हम अपने साउंड सेंसर को पिन 3 पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सेटअप के अंदर अपने साउंड सेंसर्स को एज इनपुट बना लेते हैं, क्योंकि साउंड सेंसर हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो मैंने इसको लिया पिन मोड साउंड सेंसर एज इनपुट, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर सीरियल भी डिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज हम सारी वैल्यूज़ जो हैं सीरियली रीड करेंगे इसकी। सीरियल डॉट बिगिन, ये भी हो गया। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है अपने मेन लूप के अंदर, हमें मेन लूप के अंदर सिंपल अपना साउंड सेंसर्स को रीड करना है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, साउंड सेंसर एक डिजिटल डिवाइस है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसके लिए यूज़ करेंगे डिजिटल रीड। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक वेरिएबल जिसमें हम सेंसर की वैल्यू को सेव करेंगे। तो हम लेते हैं सेंसर वैल्यू एंड उसको हम करते हैं डिजिटल रीड। क्या रीड करना है? साउंड सेंसर की वैल्यूज़ को। परफेक्ट, यहाँ पे हमारे साउंड सेंसर की वैल्यूज आ गई। अब हम इसको सीरियली प्रिंट कर देते हैं। सीरियल सीरियल डॉट प्रिंट, मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ सेंसर इज, एंड यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, एंड जो भी मेरी वैल्यू होगी सेंसर की मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये मेरा कोड हो गया कंप्लीट इसका। अब चलते हैं हार्डवेयर की तरफ और साइड बाय साइड हम अपने सीरियल पोर्ट वैल्यूज़ भी देखेंगे किस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं इसकी। सो गाइस, मैंने अब अपना कॉम पोर्ट भी ओपन कर लिया है और मेरा साइड में हार्डवेयर भी रेडी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं अपने फ़ोन से अपना एक म्यूज़िक प्ले करूँगा, कोई भी एक पंजाबी सॉन्ग, एंड देन हम देखेंगे किस तरह से जब उस सॉन्ग की बीट्स चेंज होती हैं तो हमारे सेंसर्स जो है क्या वैल्यू दिखाता है। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मेरा सॉन्ग प्ले हो रहा है, बीट्स चेंज हो रही हैं, तो वैल्यूज़ भी जो हैं 110 110 11 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो साउंड में जो है जैसे जैसे बीट्स अप एंड डाउन होती हैं तो सेंसर जो है उसकी वैल्यूज़ को रीड करता है और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम कोड को मॉडिफाई करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम LEDs को इंक्लूड करते हैं एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दी सेंसर वैल्यूज़ हम उस LEDs की वैल्यूज़ को हाई एंड लो करेंगे, तो काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट आएगा और हमारा एक डिस्को लाइट का प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं और इसके लिए कोड मॉडिफाई करके देखते हैं। सो गाइस, अब हम इसी अपने कोड में ही चेंजेस करते हैं डिस्को लाइट वाले कोड बनाने के लिए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली 4 LEDs हमने कनेक्ट की हैं एंड हम उन 4 LEDs को हाई एंड लो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साउंड सेंसर्स वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल, अगर साउंड सेंसर की वैल्यू हमारी 0 होती है तो हम LEDs को हाई कर देंगे, एंड अगर साउंड सेंसर की वैल्यू 1 होती है तो हम LEDs को लो कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसका भी कोड करते हैं, फिर हम देखते हैं हार्डवेयर की तरफ ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ साउंड सेंसर को 3 पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट LED1 और LED1 को हम लेट से कनेक्ट करते हैं 7 पर। सेम गोज़ फॉर LED2, L2 को हम कनेक्ट करते हैं 6 पर, LED3 को हम कनेक्ट करते हैं 5 पर, LED4 को हम कनेक्ट करते हैं लेट से 8 पर। अब हमें सेटअप के अंदर हमें सारी LEDs को अपना आउटपुट बनाना होगा, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। मेरी चारों LEDs आउटपुट हो गई हैं। अब हम अपने मेन लूप में आते हैं और वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमें सीरियल पोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को रीड किया जो भी सेंसर की वैल्यू होगी, और डिपेंडिंग अपॉन सेंसर वैल्यू हम एक कंडीशन लगाते हैं। तो मैं लूँगा इफ़ सेंसर वैल्यू इक्वल्स 0, तो अगर सेंसर की वैल्यू 0 होती है तो हम अपनी सारी LEDs को हाई कर देंगे। तो आई विल यूज़ डिजिटल राइट LED1 हाई,
एंड इसके बाद हम एक डिले भी देंगे सो दैट वो कुछ डिले तक के लिए ऑन रहें 200. सो सेम गोज फॉर रेस्ट ऑफ द एलईडीज. तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. फोर परफेक्ट. एल्स अगर साउंड सेंसर की वैल्यू हाई होती है तो हम सेम जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था हाई का, हम सेम अपनी सारी एलईडीज को लो कर देंगे. मैंने अपनी सारी एलईडीज को लो कर दी. एक बार इसको कंपाइल कर देते हैं, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है. डन कंपाइलिंग, कोई एरर्स नहीं है. मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ, फिर चलते हैं हार्डवेयर की तरफ. मैं दिखाता हूँ आपको हमने एलईडी का कनेक्शन कैसे किया है और इसको चेंज करते हैं. इनकी बात है. सो गाइज, मैंने एलईडीज़ को अपने हार्डवेयर पे कनेक्ट कर दिया है. तो बेसिक सर्किट इसके बहुत सिंपल है, एलईडीज़ लगाना आपको भी आता है. तो हमने क्या किया, फोर एलईडीज़ को ले लिया है और हमने उन फोर एलईडीज़ को अपने 5, 6, 7, 8 पिन पे कनेक्ट कर दिया और उसी के लिए हमने कोड भी लिखा हुआ है. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं जल्दी से अपने एक फ़ोन में सॉन्ग प्ले करता हूँ, फिर देखते हैं हम साउंड सेंसर्स की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारे एलईडीज़ किस तरह से ब्लिंक होती हैं. तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं हमारे साउंड के हिसाब से, क्योंकि क्यों हमारा साउंड सेंसर जो है जीरोज़ एंड वन की वैल्यूज़ को रीड कर रहा है और हमने जो अपनी कोड में कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग से हमारी एलईडीज़ ब्लिंक करी है. सो गाइस लेट्स एंजॉय दिस एलईडीज़. सो गाइज थैंक यू फॉर दिस वीडियो. बने रहिए हमारे साथ. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप हमारे साथ चैट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Oh,